कांग्रेस से वल्लभ नगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। आपको बता दें कि करीब 37 दिनों से गजेंद्र सिंह शक्तावत अस्वस्थ चल रहे थे। उन्हें लिवर संबंधी बीमारी थी और उनका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच वो कोरोना से संक्रमित भी हुए। हालांकि पिछले 10 दिन से उनकी हालत में थोड़ा सुधार था, लेकिन आज अलसुबह फिर से तबियत बिगड़ने के बाद 5 बजे उनका निधन हो गया। इस खबर से संपूर्ण मेवाड़ में शोक की लहर व्याप्त है। तुम्हें उदयपुर स्थित उनके निवास के बाहर कांग्रेसी नेता और समर्थक जुटने लगे हैं। बताया जा रहा है कि देर शाम तक उनके शव को उदयपुर लाया जाएगा। एक महीने से सवा महीने से गजेंद्र सिंह जी दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियेटिव साइंसेज में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उनको जॉन्डिस वापस रिपीट हो गया था। साल भर पहले भी जॉन्डिस हुआ था, वो 3-4 महीने में ठीक हो गया था। अभी जॉन्डिस वापस होने के कारण उनको भूख नहीं लग रही थी, अब खाना नहीं पच रहा था, इसलिए वो वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार भी हुआ था। फिर वापस बीच में लंग इन्फेक्शन होने की वजह से उनको निमोनिया डिटेक्ट हुआ। निमोनिया आज कोविड माना जाता है, तो कोविड का इलाज चलने लग गया। उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होने लग गए थे, पर अचानक से कल रात को मेरी बात हुई थी, तब तो पूरा ठीक बता रहे थे, स्टेबल कंडीशन बता रहे थे। आज सुबह अचानक सारे पैरामीटर्स ड्रॉप हो गए और उनका निधन हो गया। तो पूरे मेवाड़ में शोक की लहर व्याप्त है। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शक्तावत वल्लभ नगर से विधायक जो थे वो नहीं रहे हमारे बीच। निधन उनका आज सुबह 5 बजे हो गया और काफी लंबे समय से अस्वस्थ थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटा रहे थे। फिलहाल अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रवि मल्होत्रा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, आज सुबह जब ये सूचना सभी के सामने आई कि गजेंद्र सिंह शक्तावत नहीं रहे हमारे बीच, कहीं ना कहीं लोगों को एक बारगी के लिए विश्वास नहीं हुआ, चूंकि काफी एक युवा चेहरा पार्टी का, फिलहाल क्या वहां पर जो स्थिति है वो बरकरार है, कैसी माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए जयती, ये मेवाड़ की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है और पूरे मेवाड़ में जो है शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कुछ दिन पहले ही जिस तरह से किरण माहेश्वरी की डेथ मृत्यु हुई थी तो वो भी एक राजनीति में बड़ी क्षति थी। उसके बाद में एक युवा चेहरा, जैसा कि आपने बताया, गजेंद्र सिंह शक्तावत जो है वो वल्लभ नगर विधायक रहते हुए जो है और उनका निधन हुआ है। करीब 37 दिन से वो अस्पताल में भर्ती थे, लंबी बीमारी वो में वो चल रहे थे। इस बीच उन्हें कोरोना संक्रमण भी हुआ था। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिन में थोड़ी सुधार थी उनकी तबियत में, लेकिन आज सुबह अचानक से उनकी तबियत बिगड़ी है, उसके उनका निधन हो गया है। अब जो उदयपुर में जो उनका निवास है वहां पर जो है उनके समर्थक यहाँ पर जुटने लगे हैं और जिस तरह की जानकारी मिली है कि कल जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है पिंडर ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। जी रवि, इसके अलावा जो पार्थिव देह है वो उदयपुर कब तक पहुंच सकती है? बताया जा रहा है कि आज शाम को पहुंचने वाली है। हाँ देखिए, क्योंकि उदयपुर में भी उनका काफी जुड़ाव रहा है, यहाँ पर भी जो समर्थक हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि उदयपुर का शव लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली है उनके परिवार की ओर से, उनके जो बड़े भाई हैं देवेंद्र सिंह शक्तावत, उन्होंने बताया कि जो उनके पार्थिव शरीर को जो है पिंडर ले जाया जाए। जी चलिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।